सबसे पहली बड़ी खबर जहां खार्किव में रूस की जबरदस्त बमबारी की, ये पहली खबर खार्किव के कुबियांस में रूसी बमबारी से जबरदस्त नुकसान का दावा। अगली बड़ी खबर खार्किव और जोनेस में एयर रेड अलर्ट को लेकर है, और साथ ही इस बीच आपको यह बता दें कि निप्रोपेत्रोव्स्क और ज़ेपोरोजिया में एयर रेड अलर्ट। तीसरी वॉर ब्रेकिंग, कीव के कई इलाकों में बिजली के शटडाउन होने को लेकर है, जहां रूस के ड्रोन अटैक के बाद कीव में बिजली संकट अब बढ़ता जा रहा है। चौथी वॉर ब्रेकिंग, जहां 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 18 एयर स्ट्राइक की है, एक बार फिर से 24 घंटे में हालात बिगड़ते हुए ये बड़ी खबर आई है, जहां 18 एयर स्ट्राइक हुई है 24 घंटे में, रूस ने यूक्रेन पर 3 बड़े मिसाइल हमले किए हैं। और यूक्रेन का रूस के 57 अटैक को नाकाम करने का दावा। अगली वॉर ब्रेकिंग, जहां रूस ने लिमन और बखमुट में ये बड़े हमले करने का दावा किया है। अब साउथ कोरिया के KF-21 जेट के टेस्ट को लेकर अगली वॉर ब्रेकिंग, KF-21 फाइटर प्लेन ने गिराई है मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल। तस्वीरें देखिए, KF-21 फाइटर प्लेन ने मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल गिराई है, और ये साउथ कोरिया के KF-21 जेट का टेस्ट है। जबरदस्त वीडियो अब आपके सामने होगा, क्योंकि अगली बड़ी खबर है जहां चेचन्या में जबरदस्त गोलीबारी का यह वीडियो सामने आया। चेचन्या में ही पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने कैसे अटैक किया, देखिए। आतंकियों के अटैक के बाद पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें 2 आतंकियों के घायल होने की खबर है। पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने यह धावा बोला था और अटैक किया, जबरदस्त गोलीबारी होती रही। और पेरिस में फिर भड़की विरोध प्रदर्शन की आग। अगली बड़ी खबर, जहां मैक्रों के नए पेंशन कानून को लेकर प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लगातार हो रहे प्रदर्शन की यह तस्वीर, जहां हिंसक प्रदर्शन की एक और तस्वीर सड़क के बीचों बीच आग के हवाले कर दिया गया गाड़ियों को, और मैक्रों के नए पेंशन कानून के खिलाफ एक बार फिर से लोग सड़क पर हैं, जगह जगह आगजनी की ये तस्वीरें, ये लेटेस्ट वीडियो आपके सामने। बाकी हालात को काबू में करना इस वक्त पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बना हुआ है, लेकिन इस बीच 8 वॉर ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने, जहां आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जहां खार्किव में रूस की जबरदस्त बमबारी की तस्वीर सामने आई, खार्किव और जोनेस में एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर, साथ ही कीव में बिजली संकट, क्योंकि रूस के ड्रोन अटैक के बाद ये संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है, और चौथी वॉर ब्रेकिंग, जहां 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 18 एयर स्ट्राइक कर दिए, हालांकि यूक्रेन का रूस के 57 ठिकानों पर बखमुट में बड़े हमले का यह दावा, और साथ ही इस बीच ये भी देखा गया कि किस तरीके से अब साउथ कोरिया के KF-21 जेट का यह टेस्ट हुआ और उसकी तस्वीरें जारी की गई। वहीं चेचन्या में गोलीबारी की यह तस्वीर, जहां पुलिस स्टेशन को टारगेट करते हुए यह गोलीबारी की गई है, और साथ ही पेरिस में जारी विरोध प्रदर्शन की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से लेटेस्ट तस्वीरें हमने आपको पेरिस से दिखाई। नेक्स्ट में यूक्रेन का रूस पर यह बड़ा अटैक हुआ है, और अगली बड़ी खबर यही है कि यूक्रेन ने BMP-2 टैंक से रूसी ठिकानों को दहला दिया है। यूक्रेन ने यह अटैक किया है और जंग में रूस के कई सैनिकों को मारने का दावा किया। यूक्रेन का रूस पर एक और अटैक, जिसकी तस्वीरें भी जारी कर गए, बड़े दावे किए गए हैं कि कई सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। इस बीच एक और अगली बड़ी खबर होगी आपके सामने, जहां यूक्रेन का डोनेस में रूसी ठिकानों पर हमला हुआ और यूक्रेन का यह रशियन टैंक पर ड्रोन से अटैक था। यू
यूक्रेन ने क्वाडकॉप्टर से T-72 टैंक पर यह ड्रोन गिराया है। और अगली बड़ी खबर, जहां देखिए किस तरीके से अब लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और बड़ी खबर बेलगोरोद से है, क्योंकि रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन के बड़े अटैक की ये तस्वीर आपके सामने होगी, जहां बेलगोरोद में यूक्रेन के अटैक से तबाही की ये तस्वीर सामने आई। यूक्रेन का ड्रोन से बेलगोरोद गैस पंपिंग स्टेशन पर यह हमला था। खार्किव से बेलगोरोद के लिए यूक्रेन ने ड्रोन उड़ाए थे, और यूक्रेन के खार्किव से बेहद नजदीकी बेलगोरोद है। तीन तस्वीरें, तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां जंग में रूस के कई सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से एक बार फिर से किया गया है, और ये तस्वीरें जारी की गई हैं डोनेस्क में यूक्रेन के अटैक की। साथ ही यूक्रेन का डोनेस्क में रूसी ठिकानों पर हमला किस तरीके से हुआ, दूसरी तस्वीर आपके सामने रशियन टैंक पर ड्रोन से अटैक, और ये तीसरी तस्वीर किस तरीके से अब बेलगोरोद में यूक्रेन ने बड़ा अटैक किया है। हालांकि तीन बड़ी खबरें जिसमें यूक्रेन की तरफ से किया गया बड़ा दावा कि कैसे अब खार्किव से बेलगोरोद के लिए भी ये गैस स्टेशन पर अटैक को लेकर यूक्रेन बड़े दावे कर रहा है, क्योंकि बेलगोरोद में यूक्रेन के अटैक से तबाही की ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। किस तरीके से रूसी पोजीशन पर यूक्रेन की शेलिंग का ये वीडियो सामने आया है, और यूक्रेनी टैंक से रूस के ऊपर ये जबरदस्त हमला हुआ। फ्रंट लाइन से यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट की एक्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन के अटैक को लेकर पूरा एनालिसिस करें, आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही अशोक सज्जनहार सर फॉर्मर एम्बेसडर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। यश सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि बेलगोरोद की ये तस्वीरें जारी कर, हालांकि बैक टू बैक हमने चार बड़ी तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें यूक्रेन ये साफ तौर पर दावे कर रहा है कि अब इस टारगेट किलिंग के तहत वो रूस को बड़े नुकसान पहुंचा चुका है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस शो में बुलाया। पहली बात तो यह है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं यूक्रेन को लेके, इस लड़ाई को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है कि काफी दिन पहले हम सोचे थे कि बखमूत विल फॉल रशियन हैंड्स में आ जाएगा और फिर रशिया इनरोड्स करेगा, लेकिन अभी तक वहां पर भी लगता है घमासान लड़ाई लगी हुई है। बाकी जगह पे भी क्योंकि अभी तक विंटर थॉक खत्म नहीं हुआ है, गर्मियां जब आएंगी तब घमासान लड़ाई होगी। अभी एक दूसरे की तरफ शेलिंग हो रही है, ड्रोन का यूज हो रहा है, एयर पावर का भी यूज हो रहा है, आर्टिलरी का यूज हो रहा है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का, और अभी दोनों फौजें जो है ट्रेनिंग में लगे हुए हैं और अपने वेपन सिस्टम्स की रिपेयर रिकवरी, जवानों को दोबारा फिट करने की उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जिससे जब सीजन स्टार्ट होगा तब मुझे लगता है काफी भयंकर किस्म की सही बात लड़ाई होगी। सर आप, लेकिन मेरा अगला सवाल अशोक सर आपसे है, ऐसे में अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि रशिया ने टाइम बाय करने की कोशिश की है और रशिया इस लिहाज से बड़े स्तर पर कब्जे का दावा भी कर रहा था, लेकिन अब तो यूक्रेन भी बैक टू बैक पलटवार करते हुए अपनी तरफ से बड़े दावे कर रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरभि जी। देखिए शुरू में ये समझा जा रहा था जो स्प्रिंग ऑफेंसिव चलना है रूस की तरफ से, और उसने ये चलाया भी। बखमूत के ऊपर हमने देखा है जो कितना ताबड़तोड़ उसने हमला किया है, परंतु फिर भी उनका जो यूक्रेन के जो सैनिक हैं उनका साहस को तोड़ नहीं पाया है, और इतने मैं कहूंगा सप्ताह या महीने हो गए हैं जो बखमूत के पीछे लगा हुआ है रूसी फोर्सेज, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे एयर स्ट्राइक्स हो, किसी प्रकार के हो, परंतु वो जो यूक्रेन का कंट्रोल है वो नहीं उससे पूरी तरीके से छीन नहीं पाया है। दूसरी बात देखिए सुरभि जी, इसमें ये ध्यान रखना है जो उस समय यूक्रेन के पास कुछ असला नहीं था, कुछ वेपनरी इक्विपमेंट सामान नहीं था, वो इंतजार कर रहा था जो नेटो से, अमेरिका से, जर्मनी से, पोलैंड से, यूके से उसको ये सामान मिलेगा, और अब लगता है जो उसके पास थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके सामान आना शुरू हो जो गया। बात आप कह रहे हैं उसको लेकर आगे भी बड़ी खबरें हैं सर हमारे पास। एक और बड़ी खबर, जहां रूस ने पहली बार अमेरिकी डायमीटर बम
इंटरसेप्ट किया है और यूक्रेन ने अमेरिकी GLSDB से अटैक किया है। ये तस्वीर देखिए। हालांकि जंग में पहली बार अमेरिकी स्मॉल डायमीटर बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां GLSDB से यूक्रेन 150 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। एक बार फिर से आप गौर करें, इसके जरिए यूक्रेन 150 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यूक्रेन के इस वार को लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिकी हथियार के बाद यूक्रेन के लिए किस तरीके से यह बड़ी मदद के तौर पर साबित हो रहा है। रूस ने पहली बार जंग में अमेरिकी स्मोक डायमीटर बॉम्ब इंटरसेप्ट करते हुए यह बड़ा दावा किया है और रूस की तरफ से दावा यह कि यूक्रेन ने अमेरिकी ग्राउंड लॉन्च डायमीटर बॉम्ब से यह हमला किया है और यूक्रेन इस बॉम्ब से 150 किलोमीटर रूस में अंदर घुसकर अटैक कर सकता है और इस बॉम्ब से रूस में घुसकर हमला करने की यूक्रेन की ताकत दुगनी हो चुकी है। हालांकि यह बड़ा दावा, क्योंकि यूक्रेन इस बॉम्ब से रूसी एयरबेस आर्म डिपो सप्लाई लाइन पर भी हमला कर सकता है। अब यूएस ने जिस तरीके से फरवरी में यूक्रेन को GLSDB सप्लाई करने का ऐलान किया था, उसके तहत आज ये बड़ी खबर। लेकिन चर्चा से पहले कुछ बड़े सवाल आपके सामने होंगे, क्योंकि पहला बड़ा सवाल है, क्या यूएस ने अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देना शुरू कर दिया है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या यूएस ने अब यूक्रेन को चोरी छिपे GLSDB की ये डिलीवरी की है? दूसरा बड़ा सवाल, तीसरा अहम सवाल, क्या यूक्रेन GLSDB से रूस के अंदर अटैक करेगा? हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या GLSDB से ही रूस और यूएस में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? विनोद दत्ता सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। विनोद दत्ता सर, अब ये हो क्या रहा है? क्या ये बड़े सवाल वाजिब नहीं है इस वक्त के हालात और इस महत्वपूर्ण खबर को समझते हुए कि यूएस ने यूक्रेन को अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देना शुरू कर दिया और किसी को भनक भी नहीं हुई? देखिए, अमेरिका ने ये बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है कि वो यूक्रेन को एक किसी लर्च पे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन ने बीच में इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे कि अगर अमेरिका ने सामरिक मदद उसकी नहीं की तो जो ये बैटल है या जो ये वॉर चल रहा है उसमें लल आ जाएगा। और क्योंकि ये सभी जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से भी कि ये लड़ाई अमेरिका और रशिया के बीच है, ये यूक्रेन तो खाली एक साउंड बोर्ड है। तो अमेरिका बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि इस लड़ाई में कोई पॉज हो या रशिया कोई इस तरह का कॉम्बैट एज ले। बटन सर, आप कह रहे हैं अमेरिका कोई पॉज नहीं चाहेगा, बट इज अमेरिका रेडी फॉर अ डायरेक्ट फाइट विद रशिया? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब जेलेंस्की अमेरिका गए थे तब भी उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड की थी और तब तो स्पेकुलेशन यही लगाए गए थे कि अगर ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने का फैसला अमल में आया तो जाहिर सी बात है यूक्रेन दायरा बढ़ाते हुए रशिया में शामिल हो जाएगा। देखिए, अमेरिका बिल्कुल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा और ना ही रशिया कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेगा। रशिया ने भी, आपने देखिए, कई बार ये स्टेटमेंट दिए हैं और ये कई बार कहा है कि अगर कोई देश यूक्रेन की मदद करता है तो वो रशिया का जाति दुश्मन माना जाएगा। Exactly. लेकिन उस ये केवल स्टेटमेंट तक महदूद रह गया है, उससे आगे हम कोई उस पर एक्शन नहीं ले पाए हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे अमेरिका हो। Exactly. तो ये वॉर ऑफ वर्ड्स चलता रहेगा, लेकिन हाँ, अंदरूनी तरह से या अंदर खाने जिस तरह से अमेरिका रशिया की मदद, अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, बदस्तूर वही मदद चलती रहेगी। जो अमेरिका अपने वेपन उत्पादन को अब 6 गुना रफ्तार देने वाला है और आर्टिलरी शेल्स के उत्पादन को 6 गुना बढ़ाने का लक्ष्य जो रखा गया है, इसका क्या संकेत है, मतलब क्या है? चर्चा करने से पहले जान लीजिए कि किस तरीके से अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी गैप कैमरुल्लू की तरफ से यह दावा किया गया है कि यूएस हर महीने 24,000 शेल्स का उत्पादन करेगा और अमेरिका अब 1.45 बिलियन का डॉलर का खर्च उठाने को भी तैयार है। हालांकि इंफॉर्मेशन इस बारे में आपको और दे दे कि किस तरीके से अब अमेरिका की ये 6 गुना तैयारी क्या आप सब पर पड़ने वाली है भारी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका 155 mm आर्टिलरी शेल्स के उत्पादन को अगर 6 गुना बढ़ाने का फैसला ले रहा है तो उसकी वजह क्या है? और 2023 में यूएस हर महीने शेल्स का उत्पादन 14,000 से बढ़ाकर अब 24,000 कर रहा है। 2028 तक देखें तो हर महीने 85,000 आर्टिलरी शेल्स के उत्पादन का ये टारगेट क्या संकेत दे रहा है और यूएस टारगेट को हासिल करने के लिए अब 1.45 बिलियन डॉलर खर्च करने को भी तैयार हो चुका है। हालांकि समझना यह भी जरूरी है कि हर महीने रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल के उत्पादन को दुगना करने का यह टारगेट भी रखा जा रहा है। अब यूएस का रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल उत्पादन पर 349 मिलियन डॉलर का यह निवेश
क्या बड़े संकेत दे रहा है, इस बारे में चर्चा करें। यश सर, इस पर मैं आपका जवाब जरूर चाहूंगी, क्योंकि यहां पर अगर ये रिपोर्ट्स के जरिए बड़े दावे हो रहे हैं तो साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर रहा है। देखिए सुरभि जी, सबसे बड़ी बात यह कि इसमें अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री जो कि कहीं ना कहीं पीछे हट रही थी, उसको ये बहुत बड़ा ऑक्सीजन मिल गया इस लड़ाई से। और जो आप वेपन सिस्टम्स की या ना प्रसिशन स्ट्राइक वेपन सिस्टम्स की, आर्टिलरी की बात करें, 155 mm शेल्स की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक्स की बात करें, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को। जब वो कहते हैं हमने $4-5 billion की एड दे रहे हैं यूक्रेन को, एड यही है कि उतने का ये जो है साजो सामान जो है यूक्रेन को दे रहे हैं। Right. दूसरी चीज ये समझो कि जो टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। Exactly. देखो लड़ाई दो चीजों पे लड़ी जाएगी, एक तो सिपाही कितने तगड़े हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी किसके पास है। यूक्रेन के सोल्जर्स ने दिखा दिया है कि भी वो हारने वाले नहीं है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और ऊपर से देयर टेक्नोलॉजी इज वे अहेड ऑफ द रशियन टेक्नोलॉजी। तो दोनों जगह से, सॉरी टू बटन, 155 mm शेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके दुगने होने को लेकर अगर अमेरिका टारगेट रख रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन को ये मिलते हैं, सप्लाई होते हैं, तो इस बैटल फील्ड पर कितना असर पड़ने वाला है, इस पर चर्चा से पहले अगली बड़ी खबर, जहां फ्रांस अब यूक्रेन को 155 mm शेल्स की सप्लाई दुगनी करने का फैसला ले रहा है, और फ्रांस हर महीने यूक्रेन को अब सप्लाई करेगा 2000 शेल्स। अब फ्रेंच आर्म्ड फोर्स मिनिस्टर सेबेस्टियन लुखानू की तरफ से इसको लेकर यह बड़ा दावा किया गया है। अशोक सर, इस दावे के तहत कितनी मजबूती मिलेगी यूक्रेन को? मेरे विचार से काफी मजबूती मिलेगी यूक्रेन को। देखिए, यह मेरे विचार से कहना ठीक नहीं होगा जो ये जंग जो है ये रूस और अमेरिका के बीच में हो रही है, क्योंकि जो वेपन है, इक्विपमेंट है, इसका एक अपना रोल होता है, परंतु उन सबसे ज्यादा बड़ा रोल सुरभि जी होता है जो आदमी उस वेपन को वील्ड करता है, उसको वो चलाता है। क्योंकि अगर खाली वेपन से अगर जंग लड़ी जाती तो अफगानिस्तान में $82 billion के वेपन थे अमरीका के, परंतु जैसे ही वो तालिबान आई 15 अगस्त को वहां से निकल गए। तो यहाँ पर वेपन कम होने के बजाय के बावजूद यूक्रेन वहां पर लगा हुआ है, यूक्रेनी सैनिक वहां के जो नागरिक है लगे हुए लड़ रहे हैं। सर, और ये मैं कहूंगा जो मजबूती के साथ इसलिए भी पेश किया था कि वेपन सप्लाई कर दो, जब जवानों के पास उनको चलाना नहीं आता तभी तो वो ट्रेनिंग का इतना लंबा टाइम खींचा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग भी चाहिए, और क्योंकि अगर अमेरिका से आएगा वहां पर प्रोडक्शन होगी, और देशों से आएगा प्रोडक्शन होगी, यहाँ पर भेजा जाएगा, उस सब में समय लगता है। और उसमें हमने देखा है जो रूस काफी बढ़त हासिल करने में कामयाब हुआ है, जो उसका स्प्रिंग ऑफेंसिव रहा है। एग्जैक्टली सर, बट 24 घंटे में यूक्रेन की 8 डिस्ट्रिक्ट पर रूसी बमबारी को लेकर भी अगली बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में रूस ने जिस तरीके से एक बार फिर से हालात बदलने की कोशिश की है, ये तस्वीरें देखिए, जहां 24 घंटे में ही रूस ने 100 ठिकानों पर हमला कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर टैंक्स S-300 और MLRS से अटैक किए। ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से 24 घंटे में डोनेस, खार्की और सुमी में ये जोरदार हमले हुए हैं, जहां 24 घंटे में खेरसों, माइकोलेव में भी रूस के बड़े हमले का ये दावा किया गया है। लेकिन अब अगली बड़ी खबर है, जहां रूसी फौज का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है अवदिवका में। बड़ी खबर, जहां रूस का ट्यूलिप मोर्टार से यह हमला हुआ है, और 240 mm मोर्टार से रूस ने यूक्रेन को कैसे दहला दिया है, तस्वीरें देखिए। बड़े पैमाने पर अब लोगों का निकलना भी जारी हो गया है, हालांकि जंग के बीच बड़ी संख्या में लोग अवदिवका से अब निकलते नजर आए हैं। 25,000 आबादी वाले अवदिवका में 2,000 लोग ही बचे हैं, और हर जगह ये साफ नजर आ रहा है कि सब कुछ खंडर में तब्दील हो चुका है, गाड़ियां, इमारतें सब आग के हवाले हो। 25,000 आबादी वाले अवदिवका में 2,000 लोग ही बचे हैं, जिन्हें इवैक्यूएट करने की ये कोशिश की जा रही है, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की ये कोशिश की जा रही है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बड़े पैमाने पर कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जंग के इस हालात के बीच अवदिवका से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। अब रूस यूक्रेन में भीषण जंग से अवदिवका में तबाही को लेकर जो बड़ी खबरें हैं, अवदिवका को धरती से मिटाने की क्या ये कोशिश है? हालांकि यहां स्थानीय अधिकारी तो यही दावा कर रहे हैं, दोनों तरफ से रॉकेट हमलों की वजह से ही शहर खंडर में तब्दील हो चुका है, सब कुछ तहस नहस तबाह हो चुका है, अवदिवका के लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं, और भीषण हमलों की वजह से घर और खेत सब बर्बाद हो चुका है।
अब देखिए क्यों ये कहा जा रहा है अवदिवका द घोस्ट सिटी, क्योंकि बाखमुट के पास अवदिवका जंग का क्या एपिसेंटर बन चुका है, तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। और इस बीच महत्वपूर्ण ये भी है कि किस तरीके से 24 घंटे में बाखमुट के पास अवदिवका के हालात बिगड़ गए। 24 घंटे में रूस ने अवदिवका में 14 रॉकेट से हमला कर दिया है। और ये भी जानिए कि किस तरीके से 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 24 हमलों को नाकाम भी कर दिया है। हालांकि शहर में जिस तरीके से इमारतें थी, किंडरगार्टन थे, खेत, सब कुछ तबाह हो चुका है और अवदिवका को धरती से मिटाने की ये कोशिश है। यहां स्थानीय अधिकारी भी इस बात को विटनेस करते हुए कह रहे हैं क्योंकि शहर में अब सिर्फ 2000 लोग बचे हैं। हालांकि बिना बिजली और पानी के रहने को ये लोग मजबूर हो चुके हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है कि शहर में पत्रकारों और वॉलंटियर्स के लिए एंट्री पूरी तरीके से अब बैन करने का फैसला लिया गया है। और स्थानीय पुलिस भी ये दावा कर रही है कि शहर में सिर्फ अब 5 बच्चे ही बचे हैं। हालांकि ISW का दावा देखिए, जहां शहर में वैगनर ग्रुप तेजी से जिस तरीके से अटैक कर रहा है, उसके बाद अवदिवका का भी नामो निशान मिट रहा है। और जिस तरीके से ये अटैक हो रहा है विनोद सर, अब लिस्ट फेहरिस्त में कहूं बढ़ती जा रही है, मारियोपोल, बखमुट और अब अवदिवका भी उसमें जुड़ चुका है। देखिए, रशिया ये चाहेगा कि जो लूज है उसको वो टाइटन करता रहे और धीरे धीरे, देखिए उसका मेन मकसद जो है कि वो जो नीपर नदी के जो ईस्ट वाला हिस्सा है उसमें वो अपनी पूरी वर्चस्व रखेगा। आप ये देखिए, मारियोपोल हो गया, ओडिशा हो गया, बाखमुत हो गया। बाखमुत तो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर है। Exactly. तो बाखमुत जिसके पास कब्जे में, जिसका कब्जा वहां रहेगा, वो काफी हद तक यूक्रेन के ऊपर उसका वर्चस्व रहेगा। तो बाखमुत तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक और हाई वैल्यू टारगेट है। Exactly. और रशिया बिल्कुल अब स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। वो देखिए, आपने देखा होगा कुछ महीने पहले उसने एक टेक्टिकल रिट्रीट किया था जी। लोगों ने ये कहा था कि साहब रशियन आर्मी पीछे जाने लगी है या उसने रिट्रीट किया है या विड्रॉ किया है। राइट। लेकिन वो एक टेक्टिकल विड्रॉल था, उसने अपने आप को रीग्रुप किया और अब वो जो हाई वैल्यू टारगेट्स है वहां वो अपना कब्जा जमाना चाहता है। और उनको जहां, जैसे अब बाखमुत के अगर उसके शोल्डर्स उसके कब्जे में आ जाते हैं तो पूरा कम्युनिकेशन सेंटर वो इतना बड़ा है कि वो यूक्रेन के लिए बड़ा सस्टेन करना। सर, आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं आगे, अशोक सर, उस पर आपका रिस्पांस चाहूंगी, लेकिन क्या रशिया गवर्न करने को पूरी तरीके से तैयार है? अब क्योंकि अभी भी कुछ दिन पहले की आप तस्वीरें देखिए, जब खुद पुतिन इलाकों का मुआयना करने के लिए रात के वक्त पहुंच गए, लोगों से संवाद किया, हकीकत तो ये है कि कब्जे की इस जंग में अब आम सिविलियंस को लॉस हो रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आम सिविलियंस तो जो चारों उन्होंने प्रोविंसेस कहे से, चाहे लुहांस, डोनेट्स, जापोरिजिया और खिरसोन, तो इन सब में जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल घोस्ट सिटीज बनते जा रहे हैं। बाखमुत का आपने पहले ही, हम कितने सप्ताह से बात कर रहे हैं, और अब अवदिवका का, खिरसोन का, खारकीव का, सब जो है जगह, तो वहां पर तो कुछ गवर्नेंस के लिए बचेगा ही नहीं, वहां पर लोग ही नहीं बचेंगे। या तो सारे वो मारे गए हैं या वहां से वो रिफ्यूजी बनकर चले गए हैं, तो वो तो बिल्कुल एक तहस नहस जगह पर रूस का कब्जा होगा। तो ये तो ना रूस के लिए कोई फायदा करने वाला है ना यूक्रेन। लेकिन इस वॉर ऑफ सर्वाइवल की स्थिति में जेलेंस्की की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? हैरानी इस बात की है क्योंकि वो तो पूरी तरीके से कब्जे की इस लड़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से 60 दिन बाद महा अटैक की ये तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन अब रूस की यार्ड्स है तैयार, ये अगली बड़ी खबर है। हालांकि इस पर जाने से पहले बता दें, यूक्रेन का टैंक से, यूक्रेनी ठिकानों पर जो बड़ा अटैक हुआ है, टैंक से रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर जो बड़ा अटैक हुआ है उसकी तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि खबर यह है कि अब यूक्रेन ने SZU-23 शुल्का से यह हमला किया है और यूक्रेन की यह 36वीं मरीन ब्रिगेड के बड़े एक्शन की तस्वीर आई है जहां रूस को नुकसान पहुंचाया गया है। देखी, लेकिन इस बीच यूक्रेन के ठिकानों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले भी जा रहे हैं और आर्टिलरी से रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को कैसे टारगेट किया, देखिए T-12 रैपिड टैंक से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर वार। यूक्रेन के ठिकानों पर जिस तरीके से यह वार किया जा रहा है, फायरिंग हो रही है,
बार बार ये दोहराया जा रहा है कि 60 दिन बाद यूक्रेन में महाविनाश की तैयारी में है रूस, और गर्मियां शुरू होते ही भीषण हमला क्या रूस करेगा, क्योंकि यूक्रेन के पूर्व जनरल का ये बड़ा दावा है और उस जंग की सालगिरह पर रूस की अटैक करने की तैयारी है। रूस की इस तैयारी पर चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि 60 दिन बाद रूस का यह प्लान विनाश आखिर है क्या? गर्मियां शुरू होते ही यूक्रेन में रूस के भीषण अटैक का यह प्लान है और यूक्रेन के पूर्व जनरल विक्टर मुजुर्को का यह इंटरव्यू में बड़ा दावा, जहां 1 अगस्त की वो तारीख जब रूस के विनाशक हमले की सबसे ज्यादा आशंका जताई जा रही है। हालांकि रूस 1 अगस्त को उस जंग की 80वीं सालगिरह पर ये बड़ा हमला कर सकता है। वर्ल्ड वॉर II के वक्त रूस की लड़ाई के दौरान ही खार्किव भी आजाद हुआ था। रूस की ICBM यार्ड्स के साथ सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की तस्वीरें जारी की गई हैं और ये तस्वीरें क्या बड़े संकेत दे रही है, चर्चा करेंगे, क्योंकि रूस के 3 रीजन में एक साथ यार्ड्स का ये टेस्ट। रूस की सबसे विध्वंसक न्यूक्लियर मिसाइल है यार्ड्स। यार्ड से रूस अपनी न्यूक्लियर ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। अब रूस का ये न्यूक्लियर शक्ति प्रदर्शन, इस पर चर्चा करें, उससे पहले जान लीजिए कि रूस ने किस तरीके से यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ये वॉर ड्रिल की शुरुआत की है। हालांकि रूस के 3 इलाकों में यार्ड्स बैलिस्टिक मिसाइल का ये सबसे बड़ा टेस्ट हुआ है। अब पुतिन यार्ड्स को अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का अदृश्य हथियार जरूर मानते हैं और रूस की वॉर एक्सरसाइज में 3,000 सैनिक, 300 हथियार भी शामिल हुए हैं। यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है और यार्ड्स मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में भी सक्षम है। हालांकि यार्ड्स को ट्रक के अलावा अब मिसाइलों में भी फिट कर लॉन्च किया जा सकता है। यश सर, अब ये स्ट्रैटेजिक मूव रूस का क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि अब तो ये तैयारी और एक्सरसाइज की तस्वीरें जारी करके ये बड़ा प्रदर्शन और बड़ी ताकत का एहसास एक बार फिर से रूस ने करने की कोशिश किया। देखो, ये सब सेबर रैटलिंग है और सिग्नलिंग है टू प्ले ऑन द माइंड ऑफ द एनिमी। पहले इन्होंने वो वेपन सिस्टम्स बोला, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स, टेक्टिकल सिस्टम बेलारूस में हम रखेंगे और वहां पे साइलोस तैयार हो रहे हैं 1 जुलाई के आसपास। उससे पहले भी ये न्यूक्लियर कार्ड खेल चुके हैं। एक 12,000 किलोमीटर की मिसाइल का यूक्रेन की लड़ाई में क्या संबंध हो सकता है? कोई संबंध नहीं है। ये सिग्नलिंग है, थोड़ा बहुत नेटो को डराने की है, बट मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरीके से कहीं भी कोई आशंका है कि रशिया इतना बेवकूफी का कदम उठाएगा कि कोई न्यूक्लियर वेपन। राइट सर, अगर ये सिर्फ महज एक माइंड गेम है जो बात आप कह रहे हैं, विनोद सर मैं आपका जवाब चाहूंगी, इस माइंड गेम को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना युद्ध के इस हालात में? आज जहां 1 साल बाद भी इन न्यूक्लियर थ्रेट्स के बीच इस तरीके के एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है यही संकेत है ना कि रेंज बहुत ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले वक्त में। हाँ, देखिए, ये पूरा जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसमें आप देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा लेसन ये है मॉडर्न वॉरफेयर के लिए कि इसमें जो ट्रूप एंगेजमेंट है वो बहुत ना के बराबर रहा है, क्योंकि यहाँ जितने लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन्स थे, मिसाइल्स थे, या रॉकेट सिस्टम थे, ग्रैड भी हो या कोई भी हो, या जो एरियल वेपन डिलीवरी सिस्टम है, उनका इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन चाहता था कि वो इसे इस वॉर को बिल्टअप एरिया में ले जाए, और रशिया बिल्कुल जानता था कि अगर वो बिल्टअप एरिया में गया तो उसकी हार जो है वो बिल्कुल 100% तय है। तो दोनों जो कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने अपने जो रणनीति थी उसको चैनलाइज किया और इस युद्ध को एक लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट और की तरह इसको चैनलाइज करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी का अंदाजा भी तो दे दिया ना सर, क्योंकि रूस की इसी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स की एक्सरसाइज की अगर तस्वीरें सामने आती है तो बड़ा संकेत जाता है। अगली बड़ी खबर है जहां ड्रिल के जरिए दुनिया को न्यूक्लियर ताकत पुतिन दिखाएंगे और एक्सरसाइज में न्यूक्लियर मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर यह बड़ी खबर, 3,000 सैनिक, 300 तरह के हथियारों का यह प्रदर्शन क्या बड़े संकेत देता है, इसी को लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रूस की विध्वंसक मिसाइल ड्रिल की ये तस्वीरें सामने आने के बाद ये रूस का एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। अब रूस ने स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स के साथ कमांड और स्टाफ ड्रिल जिस तरीके से शुरू की है, उसी लिहाज से हम ये चर्चा कर रहे थे कि रूस की ये विध्वंसक मिसाइल ड्रिल आखिर क्या बड़े संकेत दे रही है, और रूस की इस यार्ड्स तैयारी को लेकर ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, रूस ने स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स के साथ कमांड और स्टाफ ड्रिल शुरू की है। रूस की ये वॉर एक्सरसाइज में 3,000 सैनिक, 300 हथियार भी शामिल बताए जा रहे हैं, और महत्वपूर्ण है कि रूस की ड्रिल में अब
मस्क और नोवोसिब्र्स्क मिसाइल के फॉर्मेशन को लेकर भी बड़ी खबर आई है। हालांकि जंग के बीच रूस के तीन रीजन्स में मिसाइल ताकत का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि 2023 कॉम्बैट शेड्यूल के तहत मिसाइलों के साथ ये सबसे बड़ी ट्रेनिंग ऐसे वक्त में अंजाम दी गई है जिसके बड़े संकेत मिलते हैं। हालांकि रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु अचानक वेपन फैक्ट्री पहुंचे और वही तस्वीर अब आपके सामने होगी जहां रूस के चेलियाबिंस्क और किरोव में वेपन फैक्ट्री का दौरा किया गया। तस्वीरें देखिए, आर्टिलरी टैंक्स मोर्टार अनगाइडेड मिसाइल का जायजा लिया गया है। अब रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वेपन फैक्ट्री का यह वीडियो जारी किया है। और अगली बड़ी खबर, जहां अवदिवका में रूस ने वैगनर ग्रुप की बड़ी तैनाती को लेकर लिया है फैसला। आरपार की जंग के लिए वैगनर लड़ाकों को भेजा जाएगा और रूस बखमुट से अवदिवका में फोकस शिफ्ट कर रहा है। एसडब्ल्यू की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। एक बार फिर से बता दें, यह बड़ी खबर है, जहां अवदिवका में ही जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं उसमें वैगनर ग्रुप की बड़ी तैनाती को लेकर एक बार फिर से फैसला लिया गया है। आरपार की जंग के लिए वैगनर लड़ाकों को भेजने का यह फैसला, क्योंकि रूस बखमुट से अवदिवका में अब फोकस शिफ्ट कर रहा है। हालांकि रूस का वैगनर पर ये बड़ा दाव पहली बार नहीं सामने आया, लेकिन आज के हालात में किस तरीके से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रूस ने ही डोनबास के पूर्वी इलाके में वैगनर ग्रुप की कई बटालियंस को फिर से तैनात करने को लेकर जो फैसला लिया उसको लेकर बड़ी खबर आई। हालांकि महत्वपूर्ण ये भी है कि अवदिवका में कैसे बड़े अटैक के लिए वैगनर की स्पेशल फोर्सेस को भेजने का फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि जंग का मैदान बने अवदिवका में बखमुट की दूरी सिर्फ यहां 90 किलोमीटर की रह जाती है, जिसको लेकर थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा भी कर रहे थे। और जंग से पहले अवदिवका की आबादी 30,000 थी, अब सिर्फ 2,000 लोग बचे हैं, महज 5 बच्चे हैं जिन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आईएसडब्ल्यू का भी यह दावा है, रूस अब अपना फोकस बखमुट से अवदिवका शिफ्ट करने में लगा हुआ है और इस तरीके से बखमुट में रूस को जबरदस्त यूक्रेनी अटैक का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बीच हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, अवदिवका पूरी तरीके से खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है। किम की 50,000 सैनिक यूक्रेन से युद्ध के लिए तैयार है, यह बड़ी खबर आई है। रूस के सैन्य कमांडर अलेक्जेंडर स्लादकोव की तरफ से यह बड़ा दावा कि जंग में अब जा सकती है नॉर्थ कोरिया की 5,00,000 प्राइवेट आर्मी। चीन से परमिशन मिलते ही रवाना किया जाएगा इस आर्मी को। कौन सी आर्मी है? किम की यह आर्मी है, किम की यह सेना जो बैटल फील्ड पर अब जल्द नजर आ सकती है, क्योंकि बड़ा दावा यह कि नॉर्थ कोरिया की 5,00,000 प्राइवेट आर्मी अब स्टैंड बाय मोड पर है। इंतजार है चीन की परमिशन का। किम के 50,000 सैनिक यूक्रेन से युद्ध के लिए अगर तैयार हैं, इस पर चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि इस बीच कई बड़े सवाल इस फैसले को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि किम की सेना तैयार है, चीन का बस इंतजार है, क्योंकि यूक्रेन में अपनी 50,000 स्पेशल फोर्स भेजने के लिए अगर किम जोंग तैयार है तो ये क्या बड़े संकेत दे रहे हैं। चीन की मंजूरी के बाद ही रूस की तरफ युद्ध के लिए अपनी फौज को उतारेंगे किम। और रूसी सैन्य कमांडर अलेक्जेंडर स्लादकोव का ये जो सनसनीखेज दावा है, ये किस तरीके से आने वाले वक्त में हालात को बदल सकता है। 5,00,000 प्राइवेट आर्मी भेजने के लिए नॉर्थ कोरिया जुटा हुआ है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का यह दावा है कि अमेरिका से लड़ने के लिए 14,00,000 लोगों ने सेना भर्ती के लिए अब साइन भी कर लिया है। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर एनालिसिस से पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि क्या यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री अब वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नॉर्थ कोरिया के बाद जंग में नेटो देशों की भी एंट्री संभव है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था ये। अब क्या सेना भेजने के बाद नॉर्थ कोरिया रूस को वेपन्स भी देगा? युद्ध के इस हालात के बीच ये कई महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि क्या चीन रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया के जरिए शामिल होने की कोशिश कर रहा है? हालांकि इस बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि चीन का ये सहयोग रशिया को इस हालात में किस तरीके से अशोक सर बड़े संकेत देता आया है। अब अगर नॉर्थ कोरिया रूस के साथ आता है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इस इतिहास को देखते हुए कि आने वाले वक्त में ये फैसला क्या नतीजा साबित कर सकता है? ये दोस्ती अगर परवान चढ़ती है तो क्या संकेत मिलेंगे? देखिए सुरभि जी, दो तीन चीजें हैं इसमें ध्यान रखने वाली। एक तो अगर रूस वहां से 50,000 सैनिक लेता है नॉर्थ कोरिया से, तो मतलब वो ये मान लेता है, रूस मान लेता है जो 13 महीने से ऊपर से जो वो ये युद्ध चला रहा है उसको जीतने में बिल्कुल ही असमर्थ रहा है, बिल्कुल ही फेल हो गया है, और इसीलिए उसको और दूसरी जगह से, चाहे वहां से वेपनरी चाहिए हो या सैनिक चाहिए हो,
तो मतलब अपने बलबूते पर ये जो इतनी बड़ी रशियन फेडरेशन की जो आर्मी है वो एक छोटे से देश को कंट्रोल करने में बिल्कुल ही असमर्थ हो गई है। तो मेरे विचार से ये तो बहुत बड़ा तमाचा होगा रूस के मुंह पर जो अगर वो नॉर्थ कोरिया से रूस के लिए भले ये तमाचा हो, जब चीन सहयोग दे रहा था तब भी हम रूस की एम्बैरेसमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन किम जोंग की मंशा क्या है, वो किस तरीके से बैटलफील्ड पर एक्टिव होते हुए इस सहयोग के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए किम जोंग उन ये चाहेगा जो अगर चीन उसके साथ चीन के साथ मिलकर वो लड़ाई लड़ता है या रूस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ता है तो वो फिर बिल्कुल अमेरिका के विरुद्ध ये तीनों साथ में मिलकर आ जाएंगे। अब ये जुगलबंदी सर जाहिर सी बात है कोई नजरअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये साथ आते हैं तो बड़े संकेत इसको लेकर मिलते हैं। मॉस्को पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। अब मॉस्को एयरपोर्ट पर अमीर अब्दुल्लाहियान के स्वागत की ये तस्वीर सामने आई है, जहां रूस के विदेश मंत्री लवरोव से 1-to-1 मीटिंग को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। द्विपक्षीय संबंधों के अलावा इंटरनेशनल मुद्दों पर भी यहां बातचीत संभव है। ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर भी चर्चा की जाएगी। नॉर्थ कोरिया के पास यूएस और साउथ कोरिया की ड्रिल, अगली बड़ी खबर। जापान में समंदर किनारे यूएस और साउथ कोरिया की वॉर ड्रिल को लेकर खबर आ रही है। वुहान में समंदर किनारे यूएस ने अपने 2,200 सैनिक उतारे हैं। 2,200 सैनिकों को उतारा गया है, जहां ड्रिल में यूएसएस निमित्स और F-35 फाइटर भी शामिल किए गए हैं। यूएस और साउथ कोरिया की इस ड्रिल को लेकर बड़ी खबर आई है, हालांकि किम की तैयारी उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगली महत्वपूर्ण जानकारी इसी बारे में आपके सामने होगी। यूएस और साउथ कोरिया कोस्ट पर वुहान में समंदर किनारे की गई इस वॉर ड्रिल को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, जहां यूएस ने अब नॉर्थ कोरिया के पास अपने 2,200 सैनिक और 23 टन व्हीकल उतारे हैं। हालांकि वॉशिंगटन सियोल ड्रिल में अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ड्रिल में यूएसएस निमित्स हेलीकॉप्टर F-35B समेत कई घातक हथियारों को शामिल करने का फैसला लिया गया। अब साउथ कोरिया के कैंप हम्फ्रेज में भी देश से बाहर अमेरिका की सबसे बड़े सैनिक तैनाती को लेकर यह बड़ी खबर आई है, जहां अमेरिका के करीब 36,000 सैनिक मजदूर ठेकेदार और उनका परिवार बताए जाते हैं। टिकटॉक के सीईओ से 5 घंटे तक पूछताछ को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमेरिकी सांसदों की टिकटॉक पर बैन की अपील के तहत ये खबर महत्वपूर्ण है और अल जजीरा के हवाले से इसको लेकर बड़ा इनपुट मिल रहा है, जहां बताया जा रहा है कि टिकटॉक के सीईओ से 5 घंटे तक सवाल जवाब हुए हैं और उस बीच यूएस का टिकटॉक पर अपने नागरिकों की जासूसी का जो आरोप है उसके तहत जांच का दायरा लगा बढ़ता जा रहा है, जहां सीईओ से भी 5 घंटे तक पूछताछ की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकटॉक से सीईओ से अब पूछताछ की गई है। एक बार फिर से अमेरिकी सांसदों की टिकटॉक पर बैन की ये अपील। इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने डिटेल होगी। चीन कर रहा है टिकटॉक से जासूसी, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उसके तहत समझिए चीन सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक से यूएस नागरिकों की जासूसी कर रहा है, ये बड़ा सवाल उठाया गया। टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव से 5 घंटे कड़ी पूछताछ के बाद यूएस सांसदों के ये आरोप भी सामने आ रहे हैं। हालांकि यूएस सांसदों ने 15 करोड़ यूजर्स वाले टिकटॉक ऐप पर फिर बैन की मांग को दोहराया है और इस बीच गूगल मेरा और एप्पल के बेरोकटोक दूसरे मुल्क के लोगों की जासूसी के अधिकार दिए जाएं, ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है। हालांकि टिकटॉक के चीफ के साथ की गई पूछताछ के बाद ये आरोप एक बार फिर से दोहराए गए हैं और बैन की बात कही गई है। ये बड़ी खबर, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा, देखिए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर एक बार फिर लाठी चार्ज किया है। हालात को काबू करना इस वक्त बड़ी चुनौती बना हुआ है और सड़क पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को एक बार फिर से खदेड़ने के लिए उन पर लाठी डंडे से वार किया गया। पेरिस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सड़क के दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की गई, उन्हें यहां से हटाने का प्रयास हुआ तो बल प्रयोग हुआ। हालांकि इसी तरह फ्रांस से लगातार चौंकाने वाले कई वीडियो सामने आ रहे हैं। ये पेरिस के हालात की तस्वीर आपके सामने है, लेकिन फ्रांस से आए एक और चौंकाने वाले वीडियो को देखिए, जहां पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठी चार्ज। महिला और पुरुष प्रदर्शनकारियों पर भी पुलिस ने डंडे बरसाए हैं।
जो सामने आया उस पर डंडियों से वार किया गया। हफ्तों से जारी इस प्रदर्शन के बीच हालात पर काबू पाना बड़ी चुनौती बन गया है और ये साफ नजर आ रहा है कि हर तरफ प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी है, जगह जगह आगजनी हो रही है, आंसू गैस का सहारा लिया जा रहा है, लाठी डंडों से वार हो रहा है और पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है।